टू माय यूट्यूब चैनल आलोक हेल्प एंड टिप्स। आज बात करने वाले कि हम किसी के बिना रह नहीं पाते, हमें इतनी आदत लग जाती है, हम उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है, हमें इतना प्यार हो जाता है ना कि बंदा दो मिनट भी आपसे दूर चला जाता है आप रह नहीं पाते। आपको एक आदत, एक हैबिट हो जाती है रिलेशन में दिन भर बात करने की, उससे बात करे बिना आप रह नहीं पाते। आपको दिन भर चैट करने की, दिन भर बात करने की, बिना मिले आप रह नहीं पाते। उससे एक दिन ना मिलो ना तो आपको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बात नहीं करो तो आपको अच्छा लगता। मतलब इतनी आदत लग गई है ना आपको, मतलब कैसे एक नशा हो जाता है हमें कि आदत एक हैबिट हो जाती है। वैसे इन रिलेशन में भी हमें क्या हो जाता है, किसी पर्सन की या किसी लड़के की या किसी लड़की की आदत लग जाती है। तो देखो उसको कंट्रोल कैसे करना है, मतलब उसको कैसे हम उसको अपन अंडरस्टैंड कर सकते उस चीज़ों को, सोच को, कि हम जो बार बार सोचते हैं उस चीज़, उस पर्सन को, उसके बारे में रह नहीं पाते। अब मैं ऐसी टिप्स देने वाला हूँ कि आप 101% बता रहे हो कि आप पूरे अपने लाइफ में एकदम प्रॉपर एबल हो जाओगे और उस पर्सन को थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करोगे। जो आप रह नहीं पाते ना, आप एक अच्छे से उसके रह भी सकते हो, अच्छे से रहोगे और आपके मन में वो सब चीज़ें आएगी भी नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करते गाइस, तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हमें सोचना बंद करना। हम क्या करते हैं रिलेशन में, सबसे ज़्यादा सोचते बहुत है उस पर्सन के बारे में, बार बार सोचते वो किधर होगा, वो किधर होगी, वो बात नहीं होती, इतने देर तक कहाँ चली गई। बार बार टाइम देखते रहते हो, लास्ट सीन देखते रहते हो, बार बार उसका हर एक जगह पर सीन देखते हो, ऐसा होता है। मैं जानता हूँ ना, हम क्या करते हैं ज़्यादा करके, हम पर्सन के बारे में बहुत चीज़ देखते हैं, उसका लास्ट सीन देखते हैं, उसको कॉल करने का ट्राई करते हैं, उसको मैसेज करते हैं, ऑनलाइन आ बात करना, ये करना है, मुझे मिलना है। तो हम क्या करते हैं, पहले से सोचते हैं, बार बार हमें क्या होता है नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं सामने पर्सन कॉन्टेक्ट करते, हमें रह ही नहीं पाते। ऐसा नहीं बोलूंगा कि कभी किसी कम से एक दो इंसानों के साथ, बहुत पर्सनों के साथ होता है कि हम सच में अटैच होता है किसी पर्सन के। क्यों पता है, हमसे इतना अटैचमेंट, इतना फिजिकली मेंटली हमसे इतना अटैच हो जाते ना कि हम सच में नहीं रह पाते। देखो ये सच्चा प्यार है कि आप सामने वाले पर्सन से बहुत प्यार करते हो, इसलिए आप रह नहीं पाते। पर देखो हमें उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे उससे क्या होगा पता, हम खुद को ही पेन करेंगे। हम उतना सामने वाले पर्सन को इतना वो दे देते ना, इतना वैल्यू दे देते ना कि हम रह नहीं पाते। उसने कभी भी गलती से बाय मिस्टेकली भी, और अब इतने पागल होते हो ना किसी पर्सन के पीछे, तो देखो क्या होता है, उसके जाने के आपको बहुत तकलीफ होती है, आप मेंटली नहीं एकदम पागल हो जाते हो। तो देखो इससे पहले हमें क्या करना है, सोच को कंट्रोल करने के लिए पहले सोचना बंद करना है। फिर क्या होता है, लिमिट में, हर चीज़ एक लिमिट में। कैसे हम क्या करते हैं, दिन भर बात करने की हमारी जो हैबिट होती है ना उसे कम करना है। देखो मैं बोलती हूँ, मुझे 100% श्योर हो कि आप दिन भर बात करते हो अपने पर्सन से, उस लड़की से, उस लड़के से, तो थोड़ा आपको कम बात करना है। मैं नहीं बोल रहा कि बात मत करो, करो, पर इतना भी मत करो यार कि सामने वाले पर्सन को लगे कि आप वेले बैठे हो, ये चीज़ नहीं रहना है। जब देखो आप ज़्यादा बात करोगे ना तो आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, सामने वाला पर्सन आपसे एकदम फ्री हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इतना भी फ्री अच्छा नहीं होता इन रिलेशन। तो सामने वाले पर्सन तो थोड़ा अपने काम में भी ध्यान दो, अपने स्टडी में टाइम दो, अपने फैमिली फ्रेंड को भी टाइम दो, दिन भर सिर्फ बात मत करो। ये चीज़ को हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप आज नहीं करोगे आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने आ रही है, और आपको लगता है आप सच में दिन भर बात कर दो ना, आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं रह पाऊंगी, तो सोचना बंद करो, कम बातें करना करो। मैंने तो दिन भर बात करो यार, थोड़ा कम बातें करो, उससे क्या होता है पता, आप जो आपकी जो जो रहने का जो नहीं रह पाते वो आप खुद से रहना सीख जाओगे। फिर तर चीज़ का आपने अपने माइंड को ऐसा सेटअप कर लिया है कि उस पर्सन के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, तो पहले अपने माइंड की मत सुनो, अपनी सुनो। हम क्या करते हैं, माइंड के हिसाब से चलने स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ हमें नहीं करना, उसके माइंड के हिसाब से नहीं चलना है। माइंड जा रहा है जाने दो उसको, जो सोच रहा है सोचने दो, पर हमें क्या करना है, खुद पे कंट्रोल रखना है। तो हमें जो भी है ना सोचना बंद करना है, वो सब चीज़ नेगेटिव थॉट जो आते हैं वो बंद करना है, लिमिट में बात करना है। हम क्या करते हैं बार बार यही गलतियाँ करते हैं, ये नहीं करना। अब चौथी चीज़ क्या होता है, कभी भी पर्सन को ये नहीं बोलना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी या रह नहीं पाऊंगा। हम क्या करते हैं, हम नहीं रह पाते उसको बार बार बोलने लगते हैं, वो चीज़ हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें रिलेशन में कभी ये नहीं बोलना कि मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी या रह, सामने वाले पर्सन को कभी इतना भी मत बताओ अपने बारे में। क्या होता है पता, ये वीक पॉइंट होती है, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट आप खोते हो, तो कभी आपको लगता नहीं कि मैं इससे रह नहीं पाऊंगी या नहीं रह पाता। तो क्या करना, आपको उस चीज़ को बताना नहीं है, कभी किसी को भी अपनी वीकनेस पॉइंट बताना नहीं चाहिए। सामने पर्सन से आपसे अटैचमेंट इट्स ओके, पर सामने वाले पर्सन को ये बताओ मत कि मैं नहीं रह पाता। ये चीज़ से क्या होगा पता, सच में आपके साथ ऐसा ही फील होने लगे और वही होने चीज़ होने स्टार्ट हो जाएगी, पर्सन आपके बिना रहने लगेगा। तो हमें क्या करना है, खुद को थोड़ा संभालना है, खुद के माइंड को सेटअप जैसा आपने किया है ना उसको चेंज करना है। तो चौथी चीज़ हो गया, आप अपने माइंड को सेटअप करते हो। अब मैं बोलूँगा कि आप जो अपने रिलेशन में करते हो ना, क्या करते हो पता है, हम सबसे ज़्यादा क्या गलतियाँ करते हैं उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए, हम क्या करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड को दूर कर देते हैं। सबसे बड़ी वो गलती है, किसी पर्सन के लिए क्यों किसी को छोड़ना, ये बहुत बड़ी गलती है। और समझो कभी आपने एक हाथ पकड़ा और आपका हाथ किसी ने छोड़ दिया तो कौन पकड़ेगा। हम उस पर्सन के लिए फैमिली को टाइम देना कम कर देते, फ्रेंड को टाइम देना कम कर देते, हम क्या करते हैं हमारे सिर्फ वो पर्सन को टाइम देते, वो चीज़ नहीं करना। फ्रेंड को, फैमिली को, सबको लेकर चलो,
इन फ्यूचर मैं ऐसा नहीं बोलता कि देखो कभी तकलीफ होगी, इन रिलेशन कभी आपको किसी ने हर्ट कर दे तो आप क्या करोगे, फैमिली फ्रेंड के सिवा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करो, किसी को छोड़ो मत, सबको लेकर चलो। मेरा बोलने का मतलब ये कि फैमिली को भी टाइम दो, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दो, फिर आपका जो पार्टनर है वो लड़की या लड़का उसे भी टाइम दो। सबसे ज़्यादा ऐसा मत करो कि नहीं यार दिन भर आप उससे बात करते हो, फ्रेंड भी हैं आपके, कॉन्टैक्ट जरा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट खोल के देखना कितने कॉन्टैक्ट हो गए यार, सब फ्री में नहीं रखे यार, सबसे बात किया करो। ऐसा नहीं बोलते कि आपका बॉयफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड बोलता ना कि लड़के से बात मत करो, तो लड़की से करो, थोड़ा हाय बाय किया करो यार, थोड़ा अपने माइंड को डिस्टर्ब करो, ऐसे डिस्टर्ब मत करो जिससे आपके लाइफ में डिस्टर्ब हो, ऐसा करो कि मतलब आपका माइंड थोड़ा कहाँ हर जगह पे बिजी रहे, अपने फ्रेंड से बात किया करो, लड़के से बात करो तो लड़के से करो, लड़के से करो तो लड़के से करो, इट्स ओके, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड हैं, फैमिली को टाइम दो। हम क्या करते नहीं यार, हर चीज़ छोड़ देते हैं और उस पर्सन के लिए हम अवेलेबल रहते हैं। सबसे ज़्यादा अवेलेबल भी रहना बहुत गलत, मतलब बोलते बहुत डेंजरस होता है कि हर एक चीज़ पर आप अवेलेबल रहते हो, ये मत करो लाइफ में। जिसके लिए आप ज़्यादा अवेलेबल हो ना, एक टाइम ऐसा था कि सामने पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता, उस टाइम आपको बहुत तकलीफ होती है, तो ये चीज़ कम कर दो। मैं नहीं बोल रहा कि कोई भी चीज़ छोड़ दो, मैं मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ लिमिट में होता है। हम क्या करते पता है, सबसे बड़ी गलती, हम जो मेंटेन करना होता ना, हम एक बैलेंस इन रिलेशन, वो हम मेंटेन नहीं करते। तो हर एक चीज़ का ना, मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा करोगे ना तो बहुत डेंजरस है। तो आपको क्या करना है, रिलेशन भी एक मेंटेन करना, आपका रिलेशन, आप जो सोचते हो ना नहीं रह पाते, उस चीज़ को कंट्रोल करना। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि सामने बंदा आपके लिए ना रह पाए, ऐसा कुछ अपने अंदर एबिलिटी लाओ, आपके अंदर कुछ वैल्यू, आपको कोई वजूद है, आपकी भी कुछ फीलिंग है, वैसे सामने वाले पर्सन में भी होना चाहिए ना। तो ऐसे आपको खुद का वैल्यू मेंटेन करो इन रिलेशन, कि सामने वाला बंदा आपके बिना ना रह पाए, आप उसके बिना नहीं रह पाते, इट्स ओके, पर आपके अंदर भी तो कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन भी आपके बिना ना रह पाए। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि खुद के अंदर एक ऐसी चीज़ बनाओ कि सामने वाला पर्सन आपके बिना ना रह पाए। तो आपको सोचना है, जो सोच रहे हो ना, वो सोचने का प्रॉब्लम जरूरत ही नहीं है, आप सोच सोच के क्यों मरोगे, खुद उठोगे। खुद को इतना एबल बनाओ, खुद से जो दुनिया से प्यार करे उससे प्यार करे ना, उतना खुद से भी प्यार करो, खुद को भी टाइम दो। देखो बहुत बहुत मतलब लाइफ ना इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आपको खुद से खुश होगी, और अभी से खो रहे हो, डरने का खो रहे हो ना, आपकी लाइफ और ना बेकार होगी, आपके उनका खुद से कंफ्यूज हो जाएगा, तो मतलब वीक हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे लाइफ में, ये नहीं करना ना। मोटिवेट रहो यार, हर एक चीज़ में मोटिवेट रहो, कोई भी ऐसा नहीं सोचने का किसी को, देखो किसी के रहने या ना रहने से ना लाइफ खराब नहीं होती है, बट हम क्या करते हैं किसी के ना रहने या रहने से हम क्या करते हैं, खुद की लाइफ खराब करते हैं, क्यों पता, हमारी सोच की वजह से। तो उस चीज़ को बदलो, जब तक हम नहीं बदलेंगे ना, तो आप वीडियो देख के या बुक पढ़ के या कोई भी चीज़ कर लो, आप बदल नहीं पाओगे। खुद को थोड़ा बिजी रखा करो, जो आपका मेंटेन एक लेवल वो मेंटेन करो, देखो रिलेशन बहुत अच्छा होगा, बस एक ही चीज़ करना कि खुद को इतना अच्छा मेंटेन करो ना कि सामने वाला पर्सन आपके बिना ना रह पाए। तो गाइस मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो दबा से जाके दबा देना, और हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।